भारत के हाथ लग गया किस्मत बदलने वाला खजाना, नए युग की होगी शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, आपको बताने हैं बहुत दिलचस्प खबर। लिथियम विश्व स्तर पर सबसे अधिक मांग वाले खनिजों में से एक है। इसकी खोज पहली बार 1817 में जोहान अगस्त अरफ वेटसन के द्वारा की गई थी। लिथियम शब्द ग्रीक से लिथोस से आया है, जिसका अर्थ है पत्थर। आपको बता दें, भारत के इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी में लिथियम भंडार पाए गए हैं। माइंस के सचिव विवेक भारद्वाज ने बताया कि पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं, और वह भी जम्मू और कश्मीर में। आपको बता दें दोस्तों, इस भंडार में 60 लाख टन होने की संभावना कही जा रही है। खजाना कहे जाने वाले लिथियम का भंडार मिलने के से इससे नई युग की शुरुआत माना जा रहा है। हालांकि इससे पहले कर्नाटक के मांड्या जिले में 1600 टन का लिथियम भंडार पाया गया था, लेकिन वह किसी भी कमर्शियल इस्तेमाल के लिए नहीं था। ऑस्ट्रेलिया, चिली और चीन लिथियम के तीन सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक हैं। लिथियम एक ऐसी धातु है जिसकी बड़ी मात्रा में मिलने से देश के भाग्य तक बदल जाते हैं। अब भारत में भी इसका भंडार मिला है। आने वाले समय में कई दिक्कतों से भारत दूर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ईवी सेक्टर को मिल सकता है बहुत बड़ा बूस्ट। 30% तक वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है इस लिथियम से। आपको बता दें कि भारत में लिथियम मिलने से माना जा रहा है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों के सेक्टर में बूस्ट मिल सकता है। लिथियम की बैटरियों का इस्तेमाल ईवी में किया जाता है, और पेट्रोल और डीजल के महंगे होने के चलते कार कंपनियां इन दिनों ईवी कारों पर जोर दे रही हैं। देश दुनिया के सभी प्रमुख कार कंपनियां नई नई ईवी कारें लॉन्च कर रही हैं। अभी तक भारत लिथियम इंपोर्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना पर निर्भर रहता था। रिचार्जेबल बैटरी पर लिथियम एक प्रमुख तत्व है, जो स्मार्टफोन और लैपटॉप के साथ इलेक्ट्रिक कारों और कई गैजेट्स के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। एक्सपर्ट का कहना है कि यह खोज ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन में कटौती के प्रयासों के तहत 2030 तक प्राइवेट इलेक्ट्रिक कारों की संख्या में 30% की वृद्धि करने में भारत की मदद कर सकती है। तो सबसे अधिक महंगे खनिज वालों में लिथियम है, और सबसे अधिक मांग वह भी लिथियम की है, क्योंकि लिथियम विश्व स्तर पर सबसे अधिक मांग रखता है। इसकी खोज 1817 में जोहान अगस्त ने की थी। लिथियम जो है लिथोस शब्द के ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका अर्थ पत्थर है। इसका घनत्व सबसे कम होता है। लिथियम पानी के साथ तेजी से रिएक्ट करता है, और प्रकृति में ये जहरीली होती है। लिथियम स्वाभाविक रूप से ग्रह पर नहीं बना है। वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि यह एक ब्रह्मांडीय तत्व है जो चमकीले तारकीय विस्फोटों से बना है, जिसे नोवा कहा जाता है। नासा द्वारा फंडेड एक स्टडी से यह पता चला है कि बिग बैंग ने ब्रह्मांड में शुरुआत से लिथियम की एक छोटी मात्रा का निर्माण किया था। अधिकांश लिथियम परमाणु प्रतिक्रियाओं में निर्मित होते हैं, जो नोवा विस्फोट को शक्ति देता है। लिथियम ने दुनिया भर में क्रांति ला दी। जैसा कि आप जानते हैं कि डिजिटलाइजेशन में लिथियम बैटरी का कितना अहम योगदान है। इंडिया टुडे के एक अनुसार, लिथियम बैटरी वही आईएम बैटरी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कंप्यूटिंग डिजिटलाइजकरण में क्रांति ला दी है, अब दुनिया को क्लीन एनर्जी की ओर ले जा रहा है। नेचर की एक स्टडी में पाया गया कि लिथियम आयन बैटरी का एमर्जेंस और डोमिनेंस अन्य रिचार्जेबल बैटरी सिस्टम की तुलना में उसके उच्च ऊर्जा घनत्व के कारण होता है। वहीं ईवी की बढ़ती मांग के साथ लिथियम के वैश्विक भंडार पर बहस जोर पकड़ रही है। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के अनुसार 2025 तक लिथियम की कमी हो सकती है। लिथियम का इस्तेमाल चिकित्सा क्षेत्र और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है। यह हमारे फ़ोन, सोलर पैनल्स और रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के लिए ज़रूरी होता है। एक्सपर्ट का माने तो जम्मू कश्मीर में मिले लिथियम के भंडार के चलते भारत में एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। भारत में 30% तक वृद्धि देखी जा सकती है, और ईवी सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।